लोकसभा चुनाव, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में। ऐसे में मुख्यमंत्री के डाइट प्लान, इंसुलेंस, इन तमाम चीजों को लेकर बयानबाजी और सियासत भी देखने को मिल रही है। क्योंकि जहां एक तरफ लोग, राजनीति दल चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी संकल्प यात्रा, पद यात्रा, इन तमाम चीजों के माध्यम से जेल का जवाब वोट से मांग रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली के इंदरपुरी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और यहाँ पर एक बाजार भी लगी हुई है और ऐसे में तमाम आम नागरिक की यहाँ पर मौजूदगी है और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से संकल्प सभा जो लगातार की जा रही है वो भी आयोजित हो रही है। लेकिन तमाम आम नागरिक है यहाँ पे और एक एक करके लोगों से पूछना चाहेंगे कि आखिर डायबिटीज पर सियासत कितनी सही कितनी गलत हो रही है। नाम क्या है आपका? राजीव वर्मा। राजीव जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं नारायणा। नारायणा, मतलब इसी विधानसभा में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले कई सालों से इंसुलिन एक मेडिसिन है उसको ले रहे हैं, लेकिन न्यायिक हिरासत में उन्हें वो दवाई नहीं दी जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत गलत है जो गवर्नमेंट कर रही है, जबरदस्ती उनको अंदर डाल रही है। और इंसुलिन पे अगर वो हैं तो उनको अंदर दवाइयाँ मिलनी चाहिए, ठीक है? ये एक उनका अधिकार भी है और एक इंसान का नॉर्मल अधिकार होता है कि उसको अगर जेल में भी है तो उसको सारी दवाइयाँ वगैरह मिलनी चाहिए। बिना इंसुलिन के उनका जो शुगर लेवल है, लगातार आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि 300 के पार पहुंच रहा है, एक डायबिटिक, हाई डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर लेवल में इतना कम या ज्यादा होना सही या गलत? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। बिल्कुल गलत है। संकल्प सभा आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, कह रही है कि जेल का जवाब वोट से, क्या आप भी देंगे? केजरीवाल जी को, विधानसभा के अरविंद केजरीवाल जी को जगदीश भल्ला जी आना है और वोट देकर उनको जिताना है। मेरा नाम सुदीप चावला है। जो लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दवाई नहीं दी जा रही है, मोदी जी नहीं दवाई दे रहे हैं, वो 12 साल से इस दवाई को ले रहे हैं, सही या गलत? गलत है। ये दवाई तो लेनी चाहिए थी और शुगर बढ़ेगी तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। हाँ। हमारे वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, हमारे लोगों ने बहुत काम किया है, हमारी महिलाओं के लिए बस फ्री की है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल फ्री किए हैं, काफी काम किए उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक फ्री की है उन्होंने। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालना सबसे बड़ी बात तो बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। प्रधानमंत्री जिन्होंने काम किया ये बहुत गलत काम किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप कह रहे होना नहीं चाहिए, तो क्या जेल का जवाब वोट से देंगे? बिल्कुल देंगे जी। मेरे पूरे परिवार में 300 लोग हैं, 300 के 300 लोगों को हमने बोला है कि इस बार हम केजरीवाल जी को वोट देंगे और केजरीवाल जी के कैंडिडेट को यहाँ से भी देंगे। मैं बहुत शॉर्ट में ना दो बातें रखना चाहता हूँ। एक कविता है बहुत छोटी थी, बहुत देश के लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो कल तक आपको लगते थे कांटे, आज वो फूलों की बेल है। मोदी जी सब समझ रहे, ये आपका खेल है। जिसने लिया चंदा उसको मिल गई बेल है, जिसके घर कुछ ना मिला उसको हो गई जेल है। बना दिया उनका नाम, बना दिया हमने सबको दिखा दिया उनका नाम बना दिया। ये बच्चा उनका दिल से धन्यवाद करता है क्योंकि उनने सारे सरकारी स्कूलों को और भी बढ़िया बनवा दिया।